हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई साहब, सेंटर फ्रूट को तेल में डालने के बाद में काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि भैया और वीडियो बनाओ जिसमें कि हमको सेंटर फ्रेश को गरम तेल में डाल के दिखाओ। और काफी लोगों ने यह भी कहा कि गरम तेल में पल्स कैंडी को डाल के दिखाओ। तो हमने सोचा कि भाई आप लोगों ने कहा तो कर देते हैं, और मैंने सोचा कि एक साथ ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सेंटर फ्रेश के डब्बे, यहाँ पर हमारे पास में पल्स कैंडी के डब्बे। तो सिंपली क्या करेंगे, तेल को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे इन दोनों चीज़ों को निकाल करके, मतलब थैली ऐसे नहीं डालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे फिर डालेंगे। और आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये काफ़ी गर्म तेल होगा। तो यार गर्म तेल जो है आपको पता है ये जला सकता है, और बिना बात आपको ट्राई करने की जरूरत भी क्या है, आपको दिखाने के लिए हम लोग है ना, तो हम कर रहे हैं। फटाफट से शुरू करते हैं, लाइक ठोक देना वीडियो के लिए। तो भाई तेल यहां पर तैयार है, सिंपली भट्टी को ऑन करते हैं, इस पे आग लगाते हैं ताकि ये गर्म हो जाए और हम इसमें डाल सके। ठीक है, आग लग चुकी, भट्टी को फुल करते हैं। दोस्तों जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम इन टॉफीज को छील लेते हैं, क्योंकि टाइम भी है। और सेंटर फ्रूट और सेंटर फ्रेश, सेंटर इसे चबाने से जुबान पे लगाम लग जाती है, तो आपने इसका क्या फायदा उठाया? पिताजी, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। सेंटर फ्रेश और पल्स दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई जो तेल है वो यहाँ पर गर्म हो चुका है, जो पल्स कैंडी है वो यहाँ पर रेडी है इस प्लेट के अंदर, आप लोग देख सकते हो। सेंटर फ्रेश भी हमने छील ली है, तो अब बारी है इसको इसमें डालने की, और देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब मैं इसमें डालूंगा और पीछे हो जाऊंगा, और आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ और पीछे ध्यान से है ना सब लोग, ये लो वो। ये लो वो। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाना। तो गाइज यहाँ पर अभी तो कैंडीज उबलने लग गई, देख सकते हो आप लोग क्या हो रहा है इसमें। और भाई यहाँ पर यार ये ब्लैक ब्लैक सी चीज आ गई है कुछ यहाँ पर, देखो ये क्या चीज है, यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक सी चीज आ गई है। और टॉफीज हैं क्या इसमें? अरे यार ये रही गाइज, जो टॉफीज है वो नीचे है, दिखिए आपको, ये रही, ये रही जो टॉफीज हैं, आप देख सकते हो कि उनका क्या हाल हो रहा है। सारी जो टॉफीज हैं वो लिक्विफाई हो गई है, पिघल गई है। और अब जो है मैं गैस स्टोव को कम कर देता हूँ, नहीं तो इसमें कभी भी आग लग सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है काला काला हो गया है, कितना सारा इसमें ये धुआं सा निकल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि चीनी जल रही है, टॉफी जल रही है, और उसका ये है। और आप लोग देखो कि ये क्या तारकोल जैसी चीज़ यहाँ पर बन गई। ओह शिट गाइस, ये क्या बन गया, देखो देखो एक बार, ये चीनी ही है जो कि जल गई है। तो गाइस पल्स कैंडी का कुछ ऐसा हाल होता है जब इसको गरम तेल में डाला जाता है। देखो अब जो चाशनी है उसके तार से बनने लगे हैं, मतलब जो चाशनी है वो थोड़ी सी सॉलिडिफाई होने लगी है। देखो देखो ये ठोस होने लग गई है। तो गाइस अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, और आप लोग यहाँ पर देखो कि ये क्या चीज़ बन गई है। अरे यार ये काला काला हो गया, और अब ये जो है सॉलिडिफाई हो गया। ये गाइस चीनी है जो कि तेल में तलने के बाद जली जा चुकी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अंदर का जो तेल है वो क्लियर है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं ख़राब हुआ है, ये येलोइश था उससे ये रेडिश हो गया, यानी कि थोड़ा लाल हो गया। और अब मैं इसको तो डाल देता हूँ इस डब्बे के अंदर। तो आप लोगों ने देखा कि ये तो हुआ है पल्स कैंडी डालने के बाद में, अब इसमें डालेंगे सेंटर फ्रेश। तो गाइस यहाँ पर तैयार है सेंटर फ्रेश, एक तो मैं खा लेता हूँ, बाकी वो इसमें डालता हूँ, पूरा डब्बा है ये तो। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, फिर से पीछे हो जाएंगे, ये लो वो। पर थोड़ी सी बच गई, इनको कैसे डालूं? ठीक है, ऑल राइट।
गाइस जो तेल है उसका कलर व्हाइट सा होने लग गया, देखो। और भाई यहाँ पर अलग चीज बनी है, पिछली बार से अलग हो रहा है, देखो किनारे पर कुछ इकट्ठा हो गया है। ये अरे बहुत गंदी स्मेल है इसमें गाइस, इसकी जो धुआं है ना वो बहुत बेकार है। अरे यार मेरे तो बहुत बेकार से घुस गई है, इसके धुआं में बहुत ज्यादा मिंट का फ्लेवर है और जली हुई सी बिल्कुल अजीब सी, बिल्कुल बेकार। गाइस अब जो है ये रही, इसके अंदर देखो, इसके अंदर सेंटर फ्रेश बची तो है यार, अभी तो आई थी, अब नहीं आ रही है, नहीं आ रही, अब खत्म, गायब। अरे यार आग लगी, बंद करो गैस को, बंद करो गैस स्टोव, जल्दी बंद करो, रुको। वो हो गाइस इसमें लग चुकी है आग, और आप लोग जल्दी से देख लोगे यहाँ पर क्या बना है, क्योंकि आग अभी बढ़ने वाली है। ये जो है ब्लैक कलर की चीज़ यहाँ पर हमको मिली है, आप लोग देख सकते हो अंदर जो है च्युइंगम तो बिल्कुल नहीं बची है, बिल्कुल भी च्युइंगम अंदर नहीं है, और ऊपर ये काली काली चीज़ आ गई है। अब ये जो है चाशनी का यानी कि चीनी का और च्युइंगम का दोनों चीज़ों का मिक्सचर, और इसकी जो स्मेल है बड़ी ही बेकार है, और ये इतना गर्म है तेल कि इसमें आग भी लग चुकी है। तो मैं अब जो है इससे सेफ डिस्टेंस पे हो जाता हूँ, और मुझे पता है कि ये आग जो है अब बुझ नहीं सकती है जब तक ये तेल ठंडा ना हो, या फिर जब तक हम इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना डालें, क्योंकि इस पर पानी भी नहीं डाल सकते। अगर इसमें पानी डल जाए ना ये बहुत भयंकर तरीके से आग पकड़ लेगा, बहुत भयंकर। और यहाँ पर यार यही चीज़ जल रही है, यहाँ पर जल भी यही चीज़ रही है। अरे ये सॉलिड हो गया है, ये जम सा गया है, इसको हटा सकते हैं क्या इसमें से? ओ गाइस ये जो सेंटर फ्रेश है इसी का पार्ट जल रहा है, देखो जो तेल है वो तो बुझ गया लेकिन ये जल रहा है। तो यहाँ पर तो भाई एक बिल्कुल ही अलग चीज हो गई है सेंटर फ्रेश जो है वो जली, उसमें आग लगी, और आग लगने के बाद में आप लोग देख सकते हो क्या हाल हुआ है, मतलब पिघली उसके बाद जलने भी लग गई। ये तो हमने नहीं सोचा था कि तेल में सेंटर फ्रेश डालेंगे तो ये होगा, लेकिन हमने ये कहा था गर्म में डालेंगे, एकदम गर्मा गर्म तेल था। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सेंटर फ्रेश को गर्म तेल में डालने पर क्या ही होता है, मतलब आग ही लग गई, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और गाइस एक्सपेरिमेंट का मतलब भी यही होता है कि हमको खुद को नहीं पता होता कि बाद में क्या होने वाला है, बस हम लोग ध्यान से सेफ्टी के साथ में करते हैं, क्योंकि देखो गर्म तेल का अगर एक छींटा भी लग गया ना तो भाई बहुत तगड़ी जलन करता है। तो आपने भी शायद ये पहली बार देखा होगा कि सेंटर फ्रेश को गर्म तेल में डाला और उसमें आग लग जाती है, कुछ इस तरीके से। हो सकता था थोड़े कम गर्म में डालते तो आग ना लगती और वो ऊपर जो ब्लैक आया था वो आ जाता, जो कि सेंटर फ्रूट में भी आया था, और उससे पहले पल्स के साथ में आपने देखा ये क्या हुआ है। तो अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मजेदार एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।